नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत और आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, आज हम नेगेटिव को जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वह खाना नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे। मैंने आपको पहचान बताई थी कि इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर खाना क्रिया है, उसमें रहा है लगा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, और नहीं लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है। नेगेटिव और अफर्मेटिव में सिर्फ इतना अंतर है कि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में बस नॉट और नेवर का अंतर है। अगर नहीं आए तो नॉट और कभी नहीं आ जाए तो नेवर। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे सूत्र में क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। वह खाना नहीं खा रहा है, तो सब्जेक्ट कौन खाना नहीं खा रहा है? उत्तर मिला वह, यानी सब्जेक्ट हमारा हो गया वह, यानी ही। लड़का है तो ही लगाएंगे। उसके बाद एचवी मैंने आपको इस टेंस की बताई थी, तीन एचवी हैं, इज, आर, एम। तो वह कैसा सब्जेक्ट है हमारा? ही, यानी वह एकवचन है। तो एकवचन के साथ मैंने क्या बताया था? इज। तो एचवी हमारी इज हो गई। उसके बाद नहीं की इंग्लिश, अगर कभी नहीं आए तो नेवर और खाली नहीं आए तो नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वह यहाँ पर क्या कर रहा है? वह यहाँ पर खाने का काम कर रहा है। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ईट, उसमें आईएनजी लग जाएगा तभी हो जाएगी ईटिंग। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो यहाँ पर वह खा क्या रहा है? उत्तर मिला खाना, यानी जो खाने का असर है वो खाना यानी भोजन पर पड़ रहा है। तो भोजन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसकी इंग्लिश हो गई फूड। ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि निगेटिव में बस नॉट या नेवर, नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर एच वी इज आर एम के बाद लग जाता है। एक और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे यहाँ पर लिखना क्रिया है, उसमें रहा हूँ लगा हुआ है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है तो कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? जब आपने पहचान इसकी देख ली, इसके अंत में रहा हूँ आया है, तो आप तुरंत समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सूत्र में एस दिया हुआ है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो यहाँ पर लिखने का काम कौन कर रहा है? उत्तर मिला मैं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एच वी, मैं के साथ मैंने क्या बताया था? ओनली आई के साथ, यानी आई यानी मैं के साथ सिर्फ एम लगता है, बाकी अदर सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ मैंने इज बताया था और प्लूरल के साथ मैंने आर बताया था, तो आई के साथ सिर्फ एम, उसके साथ में नहीं की इंग्लिश नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा है? मैं यहाँ पर लिखने का काम कर रहा है, तो लिखना हमारी वर्ब हो गई राइट। उसकी राइट की इंग्लिश होती है डब्ल्यू आर आई टी ई, इसके अंत में ई आया है, ये आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी वर्ब के अंत में ई आता है तो आई एन जी लगाते समय वो ई हट जाता है। इस नियम को आप ध्यान रखेंगे, जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो वर्ब की फॉर्म पढ़ाएंगे तो उसमें हम आई एन जी लगाने का भी नियम आपको बताएंगे। तो इसके अंत में जो ई था आई एन जी लगाते समय वह हट गया। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। क्रिया का असर जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा है? क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्या लिख रहा है? उत्तर मिला एक पत्र, अ लेटर। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट, फिर एच वी, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर नहीं आए तो नॉट लगाना है और कभी नहीं आए तो नेवर लगाना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें इज लगाना है, अगर प्लूरल यू वी दे में से कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगाना है, और आई हो तो एम लगाना है। आई होप ये नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।